बैक टू माई न्यू ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता था, सॉरी, कि हम लोग जा रहे थे पायल दी और कृतिका दी के बेबी शावर में। तो हम लोग चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, बट मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। रात को मेरी तबीयत खराब थी, पर मुझे ये था कि मुझे आना ही आना है क्योंकि मुझे पायल दीदी बहुत पसंद है सच में। और क्या बोल रही थी मैं, गाइस मैं ऐसे हो रही हूँ होपलेस। और पता है मेकअप भी मुझे खुद करना पड़ा, मुझे अपना मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और हमने ना सिर्फ यहाँ से स्नेक नहीं, ठीक है एक मिनट गाइस, पुलिस वाले खड़े हैं। यहाँ पहुँचते ही ना हमने यहाँ के पार्लर से जो हमें रास्ते में मिला, सिर्फ मैंने ये स्ट्रेटनिंग कराई क्योंकि मेकअप मुझे वहाँ समझ नहीं आया। मैंने कहा चल मेरा ही ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं है कुछ ऑप्शन। तो 450 रुपीज में स्ट्रेटनिंग करी और गुन्नू ने अपने ही नकली वाले नहीं होते हेयर एक्सटेंशन जो 200 रुपीज के आते हैं वो लगवाए हैं, उसके भी उन्होंने 450 रुपीज लिए हैं। इतना ज्यादा उन्होंने, हमने बोल दिया ना हम दिल्ली से आए हैं बस इसलिए, सोचा बाहर के आए नहीं ठग लो, पर कोई बात ना आज तेरा टाइम है ठग ले भाई। तो अभी ना गाइस हम इतने वो हैं कि हम रात को ही आ गए थे जैसे मैंने आपको बताया, और इनके और कशिश के ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा। तो मतलब 12 बजे की टाइमिंग थी, हम 12 बजे ही पहुंच गए पूरे, जो लोकेशन 12:30 मतलब हम लोकेशन पे पहुंच गए। फिर मैंने पायल दी को कॉल करा तो दी कह रही आप घर पे ही आ जाओ क्योंकि अभी तो हम ही नहीं पहुंचे वहाँ पे। तो अब हम पायल दीदी के घर पे ही जा रहे हैं और मैं तो उनसे फर्स्ट टाइम ही मिलूंगी, आज से पहले मैं मिली नहीं हूँ, उसे मैंने वीडियोज में ही देखा। तो चलो आ चुके हैं, बस आप पहुँचने वाले हैं 5 मिनट में। यहाँ से हम बुके बनवा रहे हैं और ये पीछे वाली शॉप से ही ना हमने वो लिए थे, क्या बोलते हैं उसे, स्वीट्स में कुछ लिया था। अभी मैं आपको गाड़ी में दिखाऊंगी, गाड़ी में रख दिया। और हम अपने वहाँ से लेके आए थे एक बहुत अच्छी पेंटिंग, बहुत बड़ी सी, वो नीचे मंगवाई थी मैंने। तो अब मुझे बेबी शावर के लिए कुछ गिफ्ट समझ नहीं आया, जो जो मुझे समझ आया तो मैंने वो ले लिया। ये दोनों दीदी के लिए बुके ले लिया और एक वो ले लिया जो मैं आपको बता रही हूँ स्वीट्स वाला, और एक मैं पेंटिंग लेके आई थी बहुत अच्छी दीदी का। और मतलब ऐसे लग नहीं रहा कि हम किसी स्टार से मिले हैं। मैं तो स्टार ही मानती थी ना पहले, बट ऐसा लग नहीं रहा कि हम किसी स्टार से मिले हैं, बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ सच में जैसा मैंने सोचा था। और अभी कृतिका दी तो तैयार ही हो रही है, अभी उन्हें नहीं दिखा सकते। चल लोकेशन पे, क्योंकि हम पहले घर पे आ रहे थे क्योंकि दीदी ने बोला था अभी वो खुद ही नहीं गए, पर अब लोकेशन पे और लोग भी आ गए। तो हम लोकेशन पे जा रहे हैं और सोच में यार, मतलब ना मैं सोचती थी कि मतलब एक स्टार ही समझती हूँ मैं एक तरीके से उन्हें, बट यार बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और अभी हम लोग जा रहे हैं वेन्यू पे, मुँह बहुत गंदा आ रहा है इसलिए वहीं जा रहे। ले लिया खाने को, अभी स्टार्टर स्टार्ट हो गए हैं तो सभी हम लोग दूर से भूखे आए थे तो हमने स्टार्ट कर दिया। इसमें आलू मतलब ये गोभी के पकोड़े टाइप है और आलू भी और रोटी का भी आ चुके हैं। अभी उनकी एंट्री हो गई है और ये रे बाकी सब हमारे बंदे, हम मैं कह रही हूँ हमारे बंदे, हमारे बंदे पम्मी कहाँ चले गए, सब पम्मी और गुड्डू पता नहीं वहाँ ढूंढ घूम रहे हैं। जाने माने यूट्यूबर शीतल शीतल दी से मैं भी आज पहली बार लगा ही नहीं, मैं बात ऐसे करने लगी मेरे को याद है राशि दी, आप देखा मैंने नहीं, वही हो जाता है ना कि बात है कंटेक्ट में। भैया भी सच में बहुत अच्छे हैं यार, साउंड भी कर रहा है तो बना दी मैं गैस के साथ, कह रहे ये कौन है, ये वाइफ है तुम्हारी, मगर ना ये साली है। तो फिर बोल रहे वाइफ कहाँ है, अच्छा साली के साथ घूम रहा है खतरनाक। और मैं पूछ लेता हूँ सबसे, हाँ जी देखो ये इनकी वाइफ है, आप इनकी बहन हो, अगर इन्होंने आपको टच किया वो तो स्प्रे मारेंगे मारेंगे, आप भी मारेंगे। नहीं मैं राखी बांधूंगी, राखी होगा ना, देखो ना जो इंसान, देखो देखो क्या होता है, देखो ये मेरी बहन है, जो इंसान अपनी बीवी को ऐसे टच करके नहीं पहचान सकते वो क्या कर सकते। कोई बात नहीं, बहन की भी तो वैल्यू होती है, मारेंगे हम, मारेंगे हम ठीक है। ये क्या रहे ये बड़े काम कर, वो लगा दे तो भीड़ ज्यादा बढ़ गई है भैया, ये होने वाला बहुत ही खतरनाक। जतिन भाई
जतिन भाई कहाँ हैं? आ गए जतिन भाई, भी आ गए। तो भैया सास की बुराई पूछ लेंगे, क्या क्या बुराई हैं सासों में? इसकी सासु मनाओ ये पूछ लेंगे। पनिशमेंट अभी आ ही रही है। देखिए भैया कोई भी अपनी जुबान से मुकरेगा नहीं, अगर आपको ये नहीं पहचान पाए तो आपको हम देंगे शेविंग स्प्रे, आप पूरा जितना गुस्सा है आज तक का वो पूरा निकालेंगे। मुंह करेंगे सिर्फ हम फेस, ठीक है ना? तो भैया बस अभी आ रहे हैं कुमार घर का, लेकिन भेजा देंगे। देखो क्या ये प्यार में सिर्फ अपनी प्रमोशन करी है, भाभी के लिए नहीं बोला कुछ भी साथ में। गाना ऐसा गा फील होना चाहिए, लव मैरिज है। अरे मेरे को नहीं फील हो रही इसकी आवाज से, रहने दो। ऐसा क्यों? दोबारा अंदाज में ना आई लव यू बोल के दिखा दो, बना दो नी पे बैठ के, नी पे बैठ के आई लव यू। कोई बात नहीं, देखो यहाँ तालियां कम बजी हैं तो यहाँ से देख लेते कैसा रहेगा। अपने अंदाज में प्रपोज कर दो यार, ऐसा मत बोलो। देखो ऐसा बोलोगे ना लोग इतने सारे देख रहे तुम्हें, ट्रेंडिंग में आने वाले सुबह स्कूल टाइम वाला तरीके से गाना भी गा सकते। चलो भैया हाथ हम दे देते हैं भैया, रुक जाओ हाथ हम दे देते हैं अंगूठी से, बिल्कुल नहीं पहचानोगे भैया। ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो। यार ये तो चीटिंग हो गई यार, आपकी बारी, कोई बात नहीं। कई बार ना प्यार से ना वो क्या बोलते हैं जादू की झपटी हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस, बहुत गहरा प्यार है, 7-8 साल का प्यार है। समझ गया भैया, परफ्यूम तो नहीं दिया था कभी, कुछ भी सुन लियो ना ना, शेव शेव करवा के आएगा मेरे भाई। चलो शुरू करें कार्यक्रम। अरे भैया पीछे कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड है इस गेम को देखने के लिए? आज पता लगेगा, अगर कह देना किसी को तस्वीर मंच पे जाना है लड़की को लेके कहां जाएगा, किसी और की बीवी तो लेके चला जाएगा, है ना? चलो 1 2 3 चलो भैया बहुत है। चलो यार मेरे को नहीं बोला, दो दोनों किस किस को उठाता भाई? पहला कपल खुशी बहुत है, उसकी बीवी हल्की बहुत है। अरे कोई नहीं भैया, अकेला नहीं है, हमारा बच्चा भी उनके पास है। हाँ तो करण भाई कैसा एहसास लग रहा है, क्या आप भाभी को जिम में भेजेंगे आगे से? बहुत ज्यादा भेजूंगा भाई, ज्यादा तंग हो रहा है, 75 किलो होगी, बहुत तंग हो रहा मेरा भाई यार, बहुत तंग हो रहा है। तो भाई ये वाली गेम ना थोड़ी सी ना कठिन होने वाली है, क्योंकि ना सारे दबंग लग रहे हैं चेहरों पे, ना कोई शिकायत नहीं है किसी के भी। देख लो अभी तुम्हारी इधर आ जाओ, इधर फटाफट कंपटीशन चल रहा है, भाग के आ जाओ मेरे भाई। प्राइस भैया अपनी बीवी मिलेगी, घर ले जाना। अगर हार गए ना, हार गए मजा आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, मैंने सोचा चलो यार थोड़ा बहुत बोलना भी सीख जाएगी इसी भरोसे। माता रानी का नाम ले रहे हो? शादी के बाद पहली बार उठाया सर। अच्छा जी, ये बात तो मुझे पता ही नहीं था। तो कुछ लोगों से पूछ लेते कैसा फील है, क्या आप भी चाहते थे कि आप भी कपल होते? हाँ होती तो ये वाला तो कर ही लेती गेम मैं भी, अब तब से खड़ी हूँ, वो वाला भी नहीं एंजॉय कर पाई, ये वाला भी नहीं कर पाई। एक काम करेंगे ना, लड़कियों का करवा देते हैं कुछ, तो लड़कियों को लड़कियां उठाएंगी? नहीं नहीं कुछ नया करवा देते हैं। हाँ दिमाग की कमी रह जाती है। यहाँ पे ना अब की बार ना मुझे दबंग लग रहे हैं, ये दबंग लोग हैं जो अपनी बीवी को ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं, औरों की तो कोई भी उठा सकते हैं। अपनी की बात अलग है, अपनी की बात अलग रहती है। ना नहीं छोड़ेगा, गुजरों के बाद नहीं छोड़ते कुछ भी।
ठीक डिस्टर्ब मत करो। लो जी एक गए। गर्लफ्रेंड होते हैं ना जब तो उठा लेते जब तो पचती होती है बीवियां तो आप तो मोटे हो गए खा खा के। वेरी गुड। नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। भैया मुझे गिरवाओगे क्या? नहीं नहीं ये हाथ में नहीं आ रहेगा बस। नहीं 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 आ रहेगा नहीं आ रहेगा नहीं आ रहेगा। अच्छा इस आदमी के चेहरे पे ना बिल्कुल भी शिकंत नहीं है। बीवी ने कहा क्लब में चार घंटे फालतू रैली और नीचे नहीं उतरना चाहिए। चलो कोई बात नहीं यार। तो गाइस हम जा रहे हैं अब घर और आज मैं पहली बार मिली थी स्वामी जी से और अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है इसलिए। और कृतिका दी और पायल दी की गोदराई की रस्म वगैरह सब हो गई है। 5 बज गए हैं बहुत लेट हो गए इसलिए हम जा रहे हैं। बहन जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है सच में बहुत ज़्यादा। और मैं इनसे कह रही हूँ भाई हमारे घर भी आओ गरीबों के कभी। 23 तारीख का गुड़िया का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे। मेरा भी बर्थडे हो गया दीदी का भी बर्थडे आना भी पड़ेगा बिल्कुल आएंगे। इतना ज़्यादा इन्जॉय और गेम खेलना वीडियोज फोटोज क्योंकि सारे क्रिएटर्स आए हुए थे तो इतना ज़्यादा इन्जॉय करने के बाद हम जा रहे हैं घर। ये हमारी वाली गाड़ी और आगे है शीतल दी की गाड़ी वो भी जा रहे हैं। और चलो तो चलते हैं गाइस थक गए बाल बांधो और एयरिंग्स पहनना। तो मैं निकल चुके थे और रास्ते में रुक गए थे एक होटल पे क्योंकि हमने चेंज किया और मैं वाइब्स भी नहीं लाई थी और मेकअप बैग भी एक्चुअली मेरा रह गया तो हमने फटाफट मैंने यहाँ पर टिश्यूज़ गीले करके उससे अपना मेकअप रिमूव किया है। कम रिमूव हुआ है बट आई एम फील रिलैक्स नाउ एंड बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा सच में। मतलब मैं आज तक ना बहुत बड़े बड़े इवेंट्स पे भी गई हूँ पर मुझे जैसे कंपनी के इवेंट्स पे जाती हूँ ना सच में उनमें इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे अरमान भैया की और पायल कृतिका दी की इस इन्विटेशन पार्टी में मज़ा आया था क्योंकि ये कोई इवेंट तो था नहीं इन्विटेशन पार्टी थी। मतलब मुझे जितना अच्छा यहाँ लगा ना आज तक मुझे किसी इवेंट में नहीं लगा कंपनी वालों की तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। और अब हमने कपड़े चेंज कर लिए दोनों ने अब पम्मी गए हैं वॉशरूम और हम यहाँ पे कुछ खा के फिर अब सीधा घर। बीच में गुन्नूर में सो गए थे तो पीछे लेट के सो गई और फिर पम्मी कह रहे तुम सो रहे हो मुझे भी नींद आ रही है उठ जाओ। ना बड़ा अच्छा था वैसे ये देखो वुडन का बना हुआ है और वहाँ पे झूले वूले लग रहे हैं वुडन के और बड़ी दुकान भी है। मैं इनसे कह रही हूँ कुछ खाने को ले लूँ ये मना कर रहे हैं कि नहीं। हाँ इसका नाम है प्योर वेज रोशनी स्टार पार्टी हॉल। चलो हम घर जा रहे हैं बाय बाय गाइस चंडीगढ़ वालों बाय बाय। ऑफ हो गया था चार्जिंग नहीं थी और अभी हमारी गाड़ी में चार्जर नहीं लगता आईफोन का। हम लोग आ गए थे घर मेरे लाल और हम आ गए घर। मासी ने खाना बनाया था और पूरे घर की सफाई कर रही है क्योंकि मासी को भी सफाई करना बहुत पसंद है मेरी तरह पर मुझे तो सिर्फ अपने घर पे करना पसंद है यहाँ पर तो नहीं। मैं भी ब्लॉग बना रहा हूँ अभी देख लो फोन भी। मासी मैं वहाँ पे बिल्कुल साफ रखती हूँ यहाँ तो पता नहीं मेरी एलर्जी लेवल डाउन मेरा यहाँ के तो पता है मैं क्या करती हूँ और मैं भी ब्लॉग बना रहा हूँ अभी देख मैं भी ब्लॉग बना रहा हूँ अभी तो गाइस मम्मी सो गई है नोना पम्मी भी घर चले गए नोना खेल रही है इधर उधर ये रही दिखाइए तनु नोना लाइए नींद नहीं आ वतरन 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 तंदरन तंदरन वतरन अरे वाह नोना ऐसा कौन कर मेरा बेटा आजा मेरे शेर। तो गाइस नोना इनके पास आ गया अभी इसको देखो गाइस पीछे हमारा छोटा ब्लॉगर गाइस नोना के बर्थडे पे सारे ब्लॉग इशित के चैनल पे आने वाले हैं। अगर आप लोग कहो तो कमेंट करो इशू को चैनल बना के भेजो फिर मासी मुंबई जाके ब्लॉग डाला करेगी यही पेंट करती हूँ। कैसा लगा ये व्लॉग होप आपको अच्छा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताना और फिर मिलेंगे आपसे न्यू व्लॉग के साथ। आज है घर पे कीर्तन 22 तारीख को ही कल नोनू का बर्थडे है और अब कीर्तन वाला व्लॉग स्टार्ट होने वाला है। मैं नेक्स्ट व्लॉग वो स्टार्ट करने वाली हूँ। गली में टेंट वेंट लगने लग रहे हैं अब कीर्तन और गली हाँ बेटा गली में टेंट वेंट लगने लग रहे हैं और मैं जा रही हूँ फ्लैट पे कुछ सामान लाना है मुझे और पैसे लाने हैं। पैसे मेरे वहीं हैं क्योंकि अब बैंकेट हॉल वगैरह की जो थोड़ी बहुत पेमेंट रह गई है और घर के काम वाम के लिए। तो चलो टाटा बाय बाय लव यू इस व्लॉग कहीं पे एंड करते हैं बाय कर दो।